17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में काबिज। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश कुमार इतने मूर्ख हैं? चीजें राजनीति में अनायास तो होती नहीं है। नीतीश कुमार का राजद के विधायकों, राजद के मंत्रियों के दफ्तर पर रेड मारना, नीतीश कुमार का G20 के सम्मेलन में दिल्ली जाना रात्रि भोज में शामिल होने के लिए, नीतीश कुमार का जेल नियमावली में परिवर्तन करके आनंद मोहन का बाहर निकालना और अब आनंद मोहन की लालू यादव से नाराजगी, ये चीजें राजनीति में अनायास नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार जमीन तैयार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सके। भाजपा ने साफ साफ स्पष्ट रूप से भी कह दिया, अमित शाह की झंझारपुर में रैली हुई, भाजपा ने कहा कि ये जो जोड़ी है नीतीश और लालू की, ये तेल और पानी जैसी, और तेल और पानी साफ है कि कभी एक दूसरे में घुल नहीं सकते। तो ऐसे में नीतीश कुमार को पानी को छोड़ देना चाहिए। आखिरकार नीतीश कुमार अकेले तो बिहार में सरकार बना नहीं सकते, तो नीतीश कुमार को अगर पानी छोड़ देना चाहिए तो इसका इशारा क्या है? इसका इशारा बस इतना है कि नीतीश कुमार पानी को छोड़ करके भाजपा में शामिल हो जाए, यानी कि वो भाजपा जो कहती है कि उसके द्वार बंद हैं नीतीश कुमार के लिए, वो भाजपा भी 2024 के चुनाव में वोट बैंक को अपनी नजर में रखते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सुनहरा अवसर दे चुकी है। वैसे में बात करेंगे कि नीतीश कुमार जिस तरीके से राजद के मंत्रियों के दफ्तर में जाकर के दिखा रहे थे कि मंत्री जी ड्यूटी पर नहीं है, ऐसे में मेरा सवाल है नीतीश कुमार से कि क्या नीतीश कुमार ये बात तेजस्वी यादव को कह सकते हैं क्या? क्या नीतीश कुमार तेज प्रताप यादव को भी ही कह सकते हैं क्या कि आप अपने दफ्तर पर समय से आइए और समय से जाइए? दरअसल अगर अधिकारियों को, अगर ऑफिसर्स को कहा जाए कि दफ्तर समय पर आएं और समय से जाएं तो ये बात का कोई औचित्य है, लेकिन नेता जो जनप्रतिनिधि है, जो 24 घंटे दिन रात कहीं ना कहीं जनता की सेवा में, चाहे वो अपने दफ्तर रहे, चाहे वो अपने घर रहे, चाहे वो अपने आवास रहे या फिर वो अपने क्षेत्र में जाए, तो कहीं ना कहीं उसका तमाम जो उसके समय है वो तो जनता के लिए ही होते हैं। तो ऐसे में क्या दफ्तर में समय पे आना कोई मजबूरी है? नीतीश कुमार कहीं ना कहीं तलाश कर रहे हैं कि कोई भी एक कुर कसर न छोड़ी जाए और जिस तरीके से राजद को ये दिखाया जाए कि हम तो एक्टिव मोड में हैं, लेकिन राजद की वजह से ही तमाम ये गलतियां हैं और इसका चुनावी लाभ नीतीश कुमार लेना चाहते हैं आने वाले चुनाव में। भाजपा का भी दरवाजे जो हैं वो खुले हैं, भाजपा भी दरवाजे खोल करके आस में बैठी है और इधर नीतीश कुमार भी तमाम जो कयास हैं उनको सही सही साबित करते जा रहे हैं। नीतीश कुमार कभी भी जब निर्णय लेते हैं तो वो बिल्कुल अचानक से ही लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन उससे पहले धीरे धीरे जमीन तैयार की जाती है और अब वैसे ही नीतीश कुमार अपना जमीन तैयार कर रहे हैं। बांका में पुल गिरा, नीतीश कुमार को फोन आया और नीतीश कुमार चले गए पुल देखने। ऐसे में साफ संदेश है कि राजद के लोग कार्य नहीं करते हैं, हम लोग लेकिन काम करते हैं, यानी कि नीतीश कुमार जनता को संदेश दे रहे हैं कि हम तो काम करते हैं लेकिन जो हमारे साथ है वो काम नहीं करता। उधर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी साफ कह चुके हैं कि इंडिया महागठबंधन का नेता वही बनेगा, यानी संयोजक या फिर प्रधानमंत्री पद का दावेदार वही बनेगा जिसके साथ सभी सांसद होंगे। तो ऐसे में साफ है कि चाहते ही नहीं है तेजस्वी यादव और लालू यादव कि कभी नीतीश कुमार आगे बढ़े। तो ऐसे में नीतीश कुमार कोई कम थोड़ी है, नीतीश कुमार भी बिहार की सत्ता में अभी रहना चाहते हैं और इसी को लेकर के नीतीश कुमार साफ साफ अपने मंसूबे जो है वो जाहिर कर रहे हैं। जिस तरीके से वो लगातार जो है अपने काम कर रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि RJD का दामन छोड़ करके भाजपा का दामन चुनाव से पहले थाम सकते हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग के वो तमाम फॉर्मूले एक बार फिर से बिगड़ेंगे, एक बार फिर से दूसरा प्लान तैयार होगा, लेकिन बिहार में तो एक ही सरकार होगा, वो नीतीश कुमार होगा। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से साफ स्पष्ट हो रहा है और जिस तरीके से भाजपा की तरफ से इशारे किए जा रहे हैं उस तरीके से भी साफ स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार और भाजपा एक बार फिर से ट्यूनिंग कर रहे हैं, नीतीश कुमार और भाजपा एक बार फिर से किसी बड़े खेल को खेल सकते हैं।
वैसे क्या कुछ होगा हम आपको बताते रहेंगे, हर अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।